हेलो एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीए फाउंडेशन की इस प्रिपरेशन में मैं खुद एक सीए स्टूडेंट हूँ और मैं और आप मिलकर के सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है जी हाँ दोस्तों सीए फाउंडेशन का पेपर फोर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमसे एग्जामिनेशन में हंड्रेड मार्क्स के लिए विथ नेगेटिव मार्किंग पूछा जाता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक तो सिक्सटी मार्क्स के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछा जाता है और फोर्टी मार्क्स के लिए बी सी के यानी कि बिजनेस कॉमर्शियल बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज पूछा जाता है वो भी हमारे फोर्टी मार्क्स के लिए पूछा जाता है हम साथ मिलकर प्रिपरेशन करेंगे नवंबर 2020 के लिए तो दोस्तों आप हमारे हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा गौर से सुनिए अच्छे से सुनिए मैं भी एक सी स्टूडेंट हूँ आपके साथ मिलकर के मेरी भी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे और बच्चों की भी हेल्प होगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज का पहला लेक्चर है आप सभी लेक्चर्स को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल पर बी और बिजनेस लो के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे तो आप उनको भी देखिए जा करके तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर जो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे पहले हमने चैप्टर लिया जिसका नाम है डिमांड जी हाँ दोस्तों डिमांड उसके हम आप फिक्र मत करिए हम सारे लेक्चर्स अवेलेबल कराएंगे सबसे पहले हम कवर करेंगे डिमांड तो सबसे पहले जानते हैं डिमांड होती क्या है किसी भी चीज को खरीदना या फिर अगर ये तो हमने अब तक ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था लेकिन अब जो हमारा ये फाउंडेशन लेवल है जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे एक गोला लगाओ चार चार गोले एक बिंगो नहीं हो तो छह महीने बाद फिर टिंगो और अगले महीने अगले छह महीने में आके एग्जाम दे दो तो दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल हमें इसी फाउंडेशन को क्लियर करना है तो शुरू करते हैं आज की क्लास तो सबसे पहले आते हैं जैसे आप नोट्स देख ही रहे हैं मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा अगर आप नोट्स भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा तो डिमांड डिमांड क्या होती है सबसे पहले डिमांड हर इंसान की डिमांड की अलग अलग चीजें हर इंसान की डिजायर इच्छा अलग अलग होती है मेरे पास कार हो गाड़ी हो बंगला हो घर हो खाने के लिए ये हो तो आपकी इच्छाएं डिजायर ये इन्हीं सब चीज़ों से डिमांड होती है अब डिमांड क्रिएट कैसे होती है सबसे बड़ी बात आती है डिमांड क्रिएट कैसे होती है तो सबसे पहले हमारी डिज़ायर होनी चाहिए डिज़ायर क्या होती है हमारी हम किसी खरीद चीज़ को खरीदने के लिए चाह रखते हो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अभी नया नया ट्रेंड है हम हर इंसान चाहते हैं मेरे पास एक बढ़िया सा फ़ोन हो जी हाँ दोस्तों हमारी डिज़ायर एक अच्छा फ़ोन लेने की फिर उसके लिए एबिलिटी टू पे जी हाँ दोस्तों उसके बाद आते हैं एबिलिटी टू पे आप नोट्स में देख सकते हैं हमारी डिज़ायर होने के साथ साथ हमारे हमें एबिलिटी टू पे हम हमारी डिज़ायर तो है, हमें बहुत अच्छा वाला फ़ोन लें आईफोन लें या फिर किसी कोई बीस तीस हज़ार का फोन लें हमारी डिज़ायर है लेकिन उसके लिए हमारी एबिलिटी भी होनी चाहिए अगर हमारे हमारी इतनी हैसियत एबिलिटी टू पे हमारी औकात होनी चाहिए दोस्तों उस चीज़ को खरीदने की तो हमारी हैसियत इतनी है हम एब एबल हैं उसको पे करने के लिए हम ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड पे करने के लिए उस फ़ोन के लिए अवेलेबल है तो दोस्तों इससे भी क्रिएट होती उसके है उसके बाद आते हैं विलिंगनेस टू पे अब हमारे पास पैसे भी हैं और हमारी इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की सबसे पहले हमारी डिज़ायर तो हम सोच रहे हैं उस चीज़ को खरीदने की हमारी चाह है उस चीज़ को खरीदने की फिर एबिलिटी टू पे हमारे पास पैसे होने चाहिए उतने और फिर विलिंगनेस टू पे हमारे पास पैसे होने से भी कुछ नहीं होगा हमारी पैसे खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए हमें पैसे देने चाहिए तो इन चीज सब चीज़ों से होती है दिज़... हमारी डिमांड क्रिएट एक तो डिज़ायर एबिलिटी टू पे और क्रिएट विलिंगनेस टू पे जी हाँ दोस्तों इन तीन चीज तीन चीज़ों से मिल तो करके होती है डिमांड क्रिएट आपके पास पैसे भी हैं डिज़ायर भी है और विलिंगनेस टू पे भी है लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ खरीदने की आप चाहते ही नहीं हो खरीदना तो दोस्तों फिर डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपके पास आपकी चाहे इच्छा हो बीएमडब्ल्यू खरीदने की लेकिन वो आपकी इच्छा नहीं होगी आपकी डिमांड नहीं होगी जब तक आपकी डिज़ायर नहीं होगी एबिलिटी टू पे नहीं होगी और विलिंगनेस टू पे नहीं होगी तो आपकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी ये तो मैंने आपको समझाया डिमांड कैसे क्रिएट होती है उसके बाद आते हैं डिमांड एक्सप्रेस तो डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है तो डिमांड क्रिएट कैसे होती है एट सर्टेन टाइम एट सर्टेन प्राइस एंड इन सर्टेन क्वांटिटी जी हाँ दोस्तों एक किसी भी वस्तु को खरीदने या किसी भी प्रोडक्ट और गुड्स को खरीदने के लिए हमारी डिमांड तो हमने जान लिया क्या होती है एबिलिटी डिजायर एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे ये तो हमारी डिमांड होती है क्रिएट अब डिमांड को एक्सप्रेस कैसे किया जाए एक्सप्रेस करने का तरीका है प्राइस और टाइम और क्वांटिटी जी हाँ दोस्तों एट ए सर्टेन क्वांटिटी एट सर्टेन टाइम और एट सर्टेन प्राइस इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारी डिमांड एक्सप्रेस होती है अब जैसे मैं खरीदना चाहता हूँ मेरे को एक फ़ोन खरीदना है एग्जाम्पल हम वही लेके चलेंगे मेरे को एक फ़ोन ख़रीदना है तो मेरे को क्या करना होगा मैं उसकी क्वांटिटी मेरे को एक फ़ोन खरीदना है दो फ़ोन खरीदना है अपने फैमिली में किसी मेम्बर्स के लिए फ़ोन खरीदना है तो मेरे को दो फ़ोन खरीदना है एक फ़ोन उसकी क्वांटिटी मैंने सबसे पहले मेरे को एक क्वान्टी चाहिए मेरे को एक फ़ोन चाहिए क्वांटिटी और कब चाहिए उसका टाइम और उसका प्राइस कितने रुपए का चाहिए मेरे को बीस हज़ार रुपये वाला फ़ोन चाहिए तो मेरे को बीस हज़ार रुपए एट सर्टन क्वान्टिटी सर्टन प्राइस और सर्टेन टाइम इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारी डिमांड एक्सप्रेस होती है ये मैंने आपको बताया डिमांड क्रिएट कैसे होती है और डिमांड एक्सप्रेस कैसे होती है अच्छे से आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये तो हमने जान लिया डिमांड क्रिएट कैसे होती है और डिमांड एक्सप्रेस कैसे होती है और इसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्राइस जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं उनको जानते हैं वो फैक्टर क्यों कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को तो सबसे पहले आते हैं प्राइस ऑफ रिलेट प्राइस ऑफ द कमोडिटी जी हाँ दोस्तों प्राइस ऑफ द कमोडिटी सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी अब फोन का एग्जांपल लेकर चलते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर जो जो फोन मेरे को मिल रहा है बीस हजार रुपए का अचानक से उसके डिमांड बढ़ जाती अचानक से उसका भाव बढ़ जाता है उसका रेट प्राइस बढ़ जाता है यानी कि वो बीस से बाईस का हो गया तो शायद मैं उस फोन को ना खरीदूँ और क्योंकि जब उसका प्राइस उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया डिमांड लो ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मैं उस फ़ोन को नहीं खरीदूंगा क्योंकि जब वो फ़ोन बीस हज़ार रुपये की कीमत का मेरे को बाईस हज़ार रुपये में मिल रहा है तो मैं उस फ़ोन को क्यों खरीदूंगा मैं सोचूंगा जब ये मेरे को बीस हज़ार में या उससे कम प्राइस में मिलेगा कम रेंज में मिलेगा तो मैं उस फ़ोन को खरीदूंगा और इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जब उस वो फ़ोन की कीमत अट्ठारह हज़ार हो जाती है तो मैं शायद या पंद्रह हज़ार हो जाती है तो मैं उस फ़ोन की दो क्वान्टिटी भी ख़रीद सकता हूँ क्योंकि उस फोन की जो है वो कीमत उस फ़ोन का जो प्राइस है वो घट चुका है और उसके बाद आते हैं अपने जो हमारा ऑप्शन हमारा जो The price of the जी हाँ दोस्तों प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज के दो बच्चे हैं एक तो कम्पलीमेंट्री गुड्स और एक सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट क्या होता है और कंप्लीमेंट्री क्या होता है सब जानेंगे सब्सिट्यूट वो होते हैं जिसका जो हम एक दूसरे के स्थान पर उनका प्रयोग कर सकते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं चाय और कॉफी जी हाँ दोस्तों टी एंड कॉफी सब्सटीट्यूट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चाय अगर चाय की कीमत में चाय की कीमत बढ़ जाती है अचानक से तो लोग कॉफी की डिमांड ज्यादा कर देंगे क्योंकि कॉफी चाय का एक सब्सटीट्यूट है वही काम कॉफी करती है और वही काम चाय करती है जब अगर कॉफी की डिमांड बढ़ेगी तो लोग चाय कॉफी की डिमांड क्यों बढ़ेगी क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ जाएगा चाय के प्राइस को बढ़ने से कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी इसको भी अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए चाय आज एक चाय दस रुपये की मिलती है और एक कॉफ़ी दस रुपये की मिलती है दोनों चीज़ें चाय और कॉफ़ी बराबर बराबर रेट में मिलती हैं और चाय अचानक से पंद्रह रुपये की हो जाती है तो जो जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो लोग चाय को कम पीना पसंद करेंगे और कॉफ़ी पर ज़्यादा वो अपने आप को जो सब्स उनका सब्सिट्यूट होगा कॉफ़ी वो चाय का काम ही करेगा तो चाय पर वो लोग कॉफ़ी पर आ जाएंगे क्योंकि कॉफ़ी अभी भी दस रुपये की है और कॉफ़ी जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि कॉफी का प्राइस कम है एज कंपेयर टू टी तो ये होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स का जो होता है रिलेशन वो होता है पॉजिटिव रिलेशन जी हाँ दोस्तों ये सब्सिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होता है अगर एक की डिमांड बढ़ एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ये होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और जैसा मैंने बताया आपको रिलेटेड रिलेटेड कमोडिटी के दो बच्चे होते हैं एक सब्सिट्यूट गुड्स और एक कंप्लीमेंट्री गुड्स और अब आते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स पे कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं तो कंप्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं विच कैंट वी यूज विथ टू टुगेदर जो जो हम एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते अच्छे से समझते हैं। जैसे पेन और कॉफी पेन और पेन और इंक और कार और पेट्रोल जी हाँ दोस्तों अगर हमारे पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो हम कैसे एक चीज को यूज कर सकते हैं अगर कार है पेट्रोल नहीं है तो भी यूज नहीं कर सकते अगर पेट्रोल है और कार नहीं है तो भी यूज नहीं कर सकते इसको सबसे अच्छा समझते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं इनके अंदर जो होता है वो रिलेशनशिप होती है नेगेटिव क्योंकि अगर कार के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग पेट्रोल की डिमांड भी कम करेंगे और अगर क्योंकि पेट्रोल कार के प्राइस बढ़ जाएंगे या फिर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग कार की डिमांड कम करने लगेंगे ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप और जो हमने देखा था अगर कॉफ़ी की कॉफ़ी के टी के प्राइस में ज़्यादा बढ़ जाते हैं और तो लोग कॉफ़ी की डिमांड भी ज़्यादा करते हैं अगर इसी तरह से पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं या फिर पेन के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग कार और इंक की डिमांड कम करेंगे तो ये हमारा कंप्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और उसके बाद आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर जी हाँ दोस्तों जो हमारा फैक्ट डिमांड इन इन्फ्लुएंस जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो डिमांड को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनमें सब में ज्यादा अहम जो है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है इसको भी अच्छे से समझते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर किस तरह से डिमांड पर प्रभाव पर डालता है जैसे आज मेरी आज किसी की इनकम दस हजार रुपये अचानक बढ़ के पचास हजार हो जाती है तो क्या वो जो हमारी डिमांड होगी वो ज़्यादा हम डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे उन चीज़ों की हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे अगर हमारी हमारी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा हो जाती है तो हम डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं लेकिन इसका इसके उस, इसके जो हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर है इसके कुछ एक्सेप्शन है मैं आपको एक्सेप्शन भी बताऊँगा क्या है एक तो है नेसेसिटी गुड्स नेसेसिटीज़ और इन्फीरियर गुड्स नेसेसिटीज़ क्या होते हैं जैसे हमें रोटी कपड़ा और मकान ये तो हमारे नेसेसिटीज़ हैं लेकिन इनमें भी हम डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं हम अच्छे सकते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं लेकिन जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं जैसे आप नमक तो हर इंसान खाता होगा नमक लेकिन आप ऐसा नहीं करते होंगे अगर आपकी सैलरी पाँच हज़ार से लेकर दस हज़ार या पचास हज़ार हो जाती है तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ मम्मी आज मेरी सैलरी दस हज़ार से पचास हज़ार हो गई डाल दो, दो चार नमक दो चार मुठ्ठी नमक डाल दो इकट्ठे डाल दो आज क्योंकि सैलरी बढ़ चुकी है हमारी इसलिए हम उसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी नेसेसिटीज़ है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है और इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको जो नेसेसिटीज़ है अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है आप अनहेल्दी कौन अनहेल्दी फील करते हैं तो आप डॉक्टर डॉक्टर के घर यहाँ जाएँगे और वो कहेगा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो आप डॉक्टर से ये नहीं कहेंगे कि जी हाँ डॉक्टर साहब लगा तो दो चार इंजेक्शन क्योंकि आप सैलरी बढ़ चुकी है ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि आपको नेसेसिटीज़ है सिर्फ एक की तो आप एक ही इंजेक्शन लगवाएंगे ये नहीं तो ये होते हैं हमारे कुछ नेसेसिटीज़ जो हमारे इनकम ऑफ़ द कंज्यूमर का एक्सेप्शन है और इसके बाद आते हैं इन, इन्फीरियर गुड्स जी हाँ दोस्तों इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं या फिर इन्फीरियर गुड्स गिफ इन गुड्स वह गुड्स होते हैं जो हमारे घटिया क्वालिटी के होते हैं अगर हमारी इनकम पाँच हजार से दस हजार और बीस हजार से पचास हज़ार हो जाती है तो हम जो लो क्वालिटी के गुड्स हैं उनको शायद कम पसंद कम खरीदना पसंद करें उसके बाद हम क्या खरीदेंगे हम बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड वी विल प्रीफेर ब्रांडेड क्लोथ्स ब्रांडेड शूज एंड हम वी आर वी विल प्रिफेयर ब्रांडेड गुड्स जी हाँ दोस्तों हम ब्रांड पर ज्यादा जाएंगे और और नॉर्मल गुड्स पर जाएंगे ब्रांडेड गुड्स पर जाएंगे लेकिन इन्फीरियर गुड्स को नहीं खरीदेंगे तो ये होते हैं हमारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर के एक्सेप्शन इसके बाद आते हैं हैबिट टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस अब हैबिट टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होते हैं मैं अच्छे से समझा देता हूं अब कोई इंसान एडिक्टेड है जी हाँ दोस्तों उसी का जी हाँ अगर अभी इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि जो लॉकडाउन था हमारे उसके सौ रुपए वाली बोतल के प्राइस एकदम एक सौ सत्तर रुपये हो गए और जो वन थाउजेंड की आती थी, थी उसका सत्रह सौ यानी सेवेंटी परसेंट प्राइस अगर लग, लगातार अचानक से बढ़ गया लेकिन लोगों ने फिर भी पीना नहीं छोड़ा क्योंकि वो जो लोग हैं वो एडिक्टेड हैं वो एडिक्टेड हैं उनको चाहिए हर हालत में चाहे पैसे हो या ना हो उधार हो कुछ भी हो लेकिन उनको चाहिए क्योंकि उनकी हैबिट बन चुकी है यह तो इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा लॉकडाउन में अगर कोई बोतल सत्तर रुपये किया सात सौ रुपये किया सात हज़ार रुपये की उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो हैबिट एडिक्टेड है उन चीज़ के उनको हैबिट है फिर आते हैं टेस्ट ये टेस्ट वो नहीं कि ये मैं खाने में मेरे को ये नमक नमक तेज़ है या फिर मिर्च का मैं ये वाला टेस्ट नहीं क्या आपका टेस्ट कैसा है आप किन चीज़ों को प्रेफर करते हैं आप कैसी चीज़ आप कैसे कपड़े पहनते हैं आपका टेस्ट कैसा आप आप है आप ब्रांडेड आप ब्रांडेड शूज यूज़ करते हैं ब्रांडेड जीन्स यूज करते हैं ब्रांडेड टी शर्ट यूज़ करते हैं तो आपका टेस्ट कैस कौन सा है? आप नाइक पुमा या फिर गुड वुडलैंड का किस चीज़ किस कंपनी का यूज़ करते हैं वो वाले टेस्ट की बात है यहाँ पर तो अगर आपका टेस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए आपको अगली बार भी आई आप सोचेंगे कि मैं आईफोन ही खरीदूँ आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं उसके अलावा कोई और सा फ़ोन खरीदूँ क्योंकि आपका टेस्ट आईफोन हो गया क्यों आपको उसके बारे में हर चीज़ पता है अगर आप उससे लो प्राइस लो क्वान्टी क्वालिटी का कुछ सामान खरीदते हैं या फिर फोन खरीदते हैं तो शायद आपको आपको वो सामान वो सेटिस्फेक्शन ना मिल पाए इसलिए जो हमारा हैबिट टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। तो ये होता है और प्रिफरेंस क्या होता है प्रिफरेंस होता है आई प्रीफेर फॉर वट आई प्रीफेयर क्वालिटेटिव गुड्स जी हाँ दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं कुछ लो क्वालिटी के गुड्स खरीदते हैं कुछ हाई क्वालिटी के गुड्स खरीदते हैं तो प्रिफरेंस वही होता है कि अगर एक बार आपने कोई चीज़ खरीद ली तो आप दूसरों को भी प्रीफर करेंगे आई प्रीफेर फॉर दैट यू हैव टू फॉर बा गुड्स विच आई यूज इट बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव इट इज वेरी गुड यू हैव टू यू हैव टू से समथिंग अबाउट गुड्स बिकॉज ऑफ यू यू आर यूजिंग दैट गुड्स एंड यू प्रीफेर फॉर अदर्स फॉर एग्जाम्पल आप कौन से शैम्पू से नहाते हैं कौन से साबुन यूज करते हैं कौन सी फेस क्रीम यूज करते हैं कौन सी शेविंग क्रीम यूज करते हैं कौन सा कैमरा यूज करते हैं कौन सा फोन यूज करते हैं कौन सी लाइटिंग यूज करते हैं तो दोस्तों आप दूसरों को भी प्रिफेयर करेंगे मैं ये, ये यूज कर रहा हूं आप भी ये यूज करिए बहुत अच्छी चीज है ऐसे इन चीजों को प्रिफेयर करेंगे इसके बाद आते हैं एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट आप स्कूल से आए ऐड देखा मैगी 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 या फिर मैगी आटा नूडल्स या फिर पतंजलि आटा नूडल्स आपने ये एड देखा कि आज मम्मा ममा मम्मा आज तो बहुत भूख लग रही है आप मेरे को ये बना दो नूडल्स बना दो मैगी बना दो तो एडवर्टीजमेंट का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए जैसे आपने देखा होगा गर्मी का मौसम आते ही कोल्ड ड्रिंक के ऐड आने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं अब फिर माजा फ्रूटी कोक पेप्सिन सब चीज़ों के ऐड आने और तो हम सब का तो बड़ा ही खतरनाक ऐड आता है जो हेलीकॉप्टर और एक छोटा सा मिनी ट्रक आता है हेलीकॉप्टर के साथ तो दोस्तों ये होते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट जो हमारे हमें डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए उकसाते हैं उत्तेजित करते हैं यानी एक्साइटेड करते हैं बा ऐसा नहीं होता कि हम माउंट वो माउंटेन ड्यू के डर के आगे जीते हम पहाड़ पे पहुंच जाए ऐसा नहीं होता क्योंकि वो बस एग्जाम वो एडवर्टीजमेंट है हमें डिमांड को इन्फ्लुएंस कराने के लिए कंपनी उस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है जिससे उनकी डिमांड ज्यादा हो और यही सब चीजें हमें देखनी होती है जब हम तो ये हमारी एडवर्टीजमेंट से भी हमारी डिमांड इंक्रीज होती है उसके बाद आते हैं पोल्यूशन जी हाँ दोस्तों पोल्यूशन के भी दो बच्चे हैं एक तो साइज ऑफ़ द पॉपुलेशन एक कंजम्पशन ऑफ द पॉपुलेशन साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता है जैसे हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है 135 करोड़ और 135 करोड़ जनसंख्या को खाने को चाहिए नहाने को चाहिए पीने को चाहिए और हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं भारत का कंज्यूमर मार्केट कितना बड़ा है अगर 135 करोड़ लोग जितने खाने वाले मुंह ज्यादा उतनी डिमांड ज्यादा जितने पहनने वाले शरीर ज्यादा उतने उतनी डिमांड ज्यादा जितने पहनने वाले पैर ज्यादा उतने जूते की डिमांड ज्यादा तो दोस्तों यही होता है डिमांड ऑफ साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जितनी बड़ी जितनी सारा हमारी पॉपुलेशन होगी और हर ऐसा नहीं हो सकता किसी इंसान के पास एक ही जोड़ी कपड़े हो मेरे पास भी दस बारह जोड़ी कपड़े हैं आपके पास भी होंगे आपके पास शूज़ भी दो चार जोड़ी होंगे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी तो यही आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया की कंज्यूमर मार्केट कितनी बड़ी है तो डिमांड कितनी क्रिएट होती है इन चीज़ों में उसके बाद आते हैं कंजम्पन ऑफ द पॉपुलेशन कंजम्पन ऑफ द पॉपुलेशन के भी दो बच्चे एक एक तो सेक्स के आधार पर और एक ग्रुप के आधार पर एज ग्रुप सेक्स में मेल और फीमेल आ जाते हैं और आपने बहुत सारी बार देखा होगा मेल और फीमेल में जैसे मैं हूँ मेरे को कॉलेज जाना है स्कूल जाना है फ्रेंड के घर जाना है शादी में जाना है पार्टी में जाना है एक एक शूज़ और एक टी शर्ट या फिर कोई सा भी एक सूट मेरे पास है मैं वही पहन के जाता हूँ और लेकिन अगर मेरे सिस्टर्स को देखें या फिर कोई भी गर्ल्स को देखें शादी के लिए अलग पार्टी के लिए अलग किटी पार्टी के लिए अलग कॉलेज के लिए अलग हर चीज़ के लिए अलग शूज़ अलग कपड़े अलग अलग चीज़ है हर चीज़ के लिए अलग ईयर रिंग अलग नेकलेस अलग चीज़ और अलग हेयर स्टाइल लेकिन लड़कों में खासकर ये चीज़ नहीं देखी जाती उनको कहीं शादी में जाना है पार्टी में जाना है कॉलेज में आने स्कूल जाना है फ्रेंड्स के घर जाना है भाई के साथ जाना है कहीं रेस्टोरेंट में जाना है कहीं पर भी जाना है तो उनको यह चीज़ मायने नहीं रखती वो तो एक जोड़ी कपड़े और एक जो, एक जोड़ी जूते उसी को हर जगह पहनकर चले आते हैं लेकिन गर्ल्स में यह चीज़ नहीं देखी जाती इसलिए सेक्स के आधार पर भी जो हमारी डिमांड है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होती है और उसके बाद आते हैं एज ग्रुप एज ग्रुप क्या होता है जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चों के लिए क्या क्या जरूरत होती है क्या डिमांड करते हैं उनके माँ बाप डायपर्स की डिमांड करेंगे बेबी लोशनस की डिमांड करेंगे बेबी पाउडर की जैसे कि जोनस पाउडर की डिमांड करेंगे बेबी सोप की डिमांड करेंगे और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल्स की डिमांड करते हैं जब उससे और बड़ा होता है तो उसके लिए अच्छे कॉलेज की और जब और ज़्यादा बड़ा होता है तो स्पेक्टिकल्स की और जब हम हम अगर ज़्यादा एजिड लोगों की बात की जाए तो उनके लिए किस किस चीज़ की हम डिमांड करते हैं स्पेक्टिकल्स की डिमांड करते हैं हॉस्पिटल्स की डिमांड करते हैं और इंश्योरेंस की डिमांड लाइफ इंश्योरेंस की डिमांड करते हैं और अच्छे और ज़्यादातर हम एक हो कि हम स्टिक्स की बात करते हैं जिससे बूढ़े लोग चलते हैं उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो ये तो थे हमारे फैक्टर इन्फ्लुंस और डिमांड इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर